नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, जैसे कि हम आप सभी के सामने सप्ताह एक से सप्ताह पाँच तक का गणित विषय का शिक्षक नियोजन रजिस्टर लेकर आ चुके हैं और हिंदी विषय का भी शिक्षक नियोजन रजिस्टर सप्ताह एक से सप्ताह छः तक का आप लोगों के सामने ला चुके हैं। आज हम सप्ताह छः का गणित विषय का शिक्षक नियोजन रजिस्टर आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे कम्प्लीट करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस रजिस्टर में लिखा हुआ है। अगर ये रजिस्टर आपको उपलब्ध हो जाता है तो आप इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं, अपना नाम, शाला का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, विषय, विकासखंड और जिला, और सप्ताह कौन सा चल रहा है। इस प्रकार से अगर ये रजिस्टर आप लोगों के पास नहीं है या उपलब्ध नहीं हो पाया है तो इसे आप एक सिंपल प्लेन रजिस्टर में भी रोल के बना सकते हैं। तो आइए हमें जो, जैसे कि हमेशा की तरह हमारे मुख्य बिंदु रहते हैं, दिन और दिवस, उद्देश्य, समय, मुख्य प्रश्न, अभ्यास और आवश्यक सामग्री। इसके अंतर्गत हमें, जैसे कि ये हमारा सप्ताह छः है तो सप्ताह छः का हमारा प्रथम दिवस है। हम जिस दिन पढ़ा रहे हैं, जिस दिनांक में पढ़ा रहे हैं, वो हम यहाँ पर डाल के रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिनांक डाल देंगे और उद्देश्य में हम लिखेंगे पहले सप्ताह के दिवस, सप्ताह छः के दिवस एक में हम लिखेंगे उद्देश्य में, कमर का व्यायाम, क्लैप एंड टैप, संगीत के साथ संख्या के नाम निकाल कर गिने, स्मरण और मनोभाव। इसमें हमें समय में 70 मिनट का समय मिलेगा, जैसे कि गणित विषय के लिए 70 मिनट का समय मिलता है और हिंदी विषय के लिए 90 मिनट का समय मिलता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम, जैसे कि ये गणित विषय के लिए है तो यहाँ पर 70 मिनट हम डाल के रख देंगे। इसमें हमारे मुख्य प्रश्न रहेंगे, वस्तुओं की कुल मात्रा आप कैसे जानेंगे, क्या आप वस्तुओं को बिना गिने उनकी मात्रा बता सकते हैं, आप सब खुश लग रहे हैं, मुझे कैसे पता चला कि आप खुश हैं, क्या आपने खुशी में रोते हुए देखा है, आप सब खुश क्यों हैं। इस प्रकार से हमारी मुख्य प्रश्न रहेंगे। अभ्यास में हम लिखेंगे, अभ्यास में हम करवाएंगे वर्कशीट 5, 6 और 7। ये हमारी प्रथम जो दिवस है उनका अभ्यास रहेगा। अभ्यास में वर्कशीट हमें 5, 6 और 7 कराना है और इसमें लिखेंगे, लाइन खींच कर एक से एक मिलान करें, चित्र पर उंगली रखें और गिनें, चित्र के कितने चित्र हैं। इस प्रकार से दिए गए चित्रों पर लाइन खींचें उनकी और उन्हें उनकी गिनती करें। इस प्रकार से हमारा अभ्यास रहेगा। इसमें हमारी आवश्यक सामग्रियां रहेगी, ब्लैक बोर्ड, चौक, लकड़ी, पत्थर, ब्लॉक, पेंसिल, रबर आदि, अंकुर अभ्यास पुस्तिका। अब आइए देखते हैं कि दिवस दो में हम क्या लिखेंगे। दिवस दो में हमारा उद्देश्य रहेगा मध्य रेखा को पार करना, संगीत के साथ संख्या के नाम पृथ्वी कहता है, पहेलियाँ, संख्या चक्र, स्मरण और मनोभाव। इसमें भी हम समय में 70 मिनट डालेंगे। इसके बाद हमारे मुख्य प्रश्न रहेंगे, इसके अंतर्गत आपने कौन सी संख्या का नाम बार बार सुना है, आपको किस संख्या का नाम मुश्किल लगा, किस संख्या में सीधी लाइन होती है, किस संख्या को उल्टा करने पर भी वही संख्या दिखती है, इस कक्षा में आपने क्या सीखा। इस प्रकार से हमारे दिवस दो के मुख्य प्रश्न रहेंगे। अब आइए देखते हैं कि अभ्यास में हम क्या लिखेंगे। तो अभ्यास में हम वर्कशीट 8 बच्चों से करवाएंगे और दी गई संख्या नामों को संख्या के मानों के साथ मिलाएं। इस प्रकार से हम अभ्यास करवाएंगे। अब आइए देखते हैं कि हमारी आवश्यक सामग्रियाँ क्या रहेगी। तो आवश्यक सामग्री में हम लिखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका, ब्लैक बोर्ड, चौक, संख्या फ्लैश कार्ड, कागज पर बने संख्या नाम कार्ड। तो इस प्रकार से हमारा दिवस दो रहेगा। अब आइए देखते हैं कि दिवस तीन में हम क्या लिखेंगे। तो दिवस तीन में हमारा उद्देश्य रहेगा मध्य रेखा को पार करना, जंपिंग जैक, पहेलियाँ, रेत और मिट्टी पर लेखन, स्मरण और मनोभाव। इसमें भी हमें 70 मिनट का समय मिलेगा, 70 मिनट लिख लेंगे। इसके अंतर्गत दिवस तीन में मुख्य प्रश्न रहेंगे, किस संख्या को लिखते समय अधिक कठिनाई महसूस किया, किस संख्या को लिखते समय एक घेरा और एक लाइन बनानी होती है, वो क्या चीज़ है जो आपको गुस्सा दिलाती है, क्या गुस्से में आपने किसी को देखा है। इस प्रकार से हमारे मनोभाव के अंतर्गत हम बच्चों से सवाल करेंगे। अब आइए देखते हैं कि अभ्यास में हम क्या लिखेंगे। तो अभ्यास में हम लोगों ने करवाया है वर्कशीट 1। तो वर्कशीट 1 हम, जैसे हमारे अभ्यास पुस्तिका में लिखा हुआ है वर्कशीट 1, तो वर्कशीट 1 करवाएंगे, संख्या को उसी संख्या से मिलाएं। इस प्रकार से हमारा अभ्यास होगा। अब आइए देखते हैं कि आवश्यक सामग्री में हम क्या लिखेंगे। तो अभ्यास पुस्तिका जो हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर यूज इस्तेमाल करते हैं वो लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड, चौक, संख्या फ्लैश कार्ड, रेत, मिट्टी, संख्या नाम कार्ड, TLM। इस प्रकार से हमारा दिवस तीन होगा। अब आइए देखते हैं कि दिवस चार में हम क्या लिखेंगे।
तो दिवस चार में हमारा उद्देश्य रहेगा गर्दन का व्यायाम, संख्या गीत, अनेक वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं निकालना, शून्य की अवधारणा, स्मरण और मनोभाव। इसमें भी हम समय में 70 मिनट लिखेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं कि मुख्य प्रश्न क्या होंगे। मुख्य प्रश्न में हमारा होगा 8 8 8, मकड़ी की टांगे 8। इस प्रकार से हम यहाँ पर खाली स्थान बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर खाली स्थान में जैसे मकड़ी आएगा, मकड़ी की टांगे 8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। गिनने का कौन सा तरीका आपको पसंद है? हम अलग अलग तरीके बच्चों को बताएंगे, इनमें से बच्चों को कौन सा तरीका पसंद है यहाँ पर उनसे सवाल करेंगे। यहाँ कितनी पेंसिल हैं गिने, संख्या सिखाए गए विभिन्न भावों को पुनरावृत्ति करना है। जो हमने जो विभिन्न भाव सिखाए हैं, मनोभाव अलग अलग, गुस्सा, हंसना, रोना, इस प्रकार से हम विभिन्न भावों के पुनरावृत्ति करेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि हमने कौन कौन से भाव आपको सिखाया है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, जब आप दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? इस प्रकार से हमारे ये मुख्य प्रश्न रहेंगे। अब आइए देखते हैं अभ्यास में हम क्या लिखेंगे। तो हमारा अभ्यास में रहेगा वर्कशीट दो हम करवाएंगे। निम्नानुसार चित्रों की गिनती करें, 9 उपहार या गिफ्ट गिने व उन पर लाइन खींचें, 7 गुब्बारे गिने व उन पर लाइन खींचें। इस प्रकार से हमारा अभ्यास रहेगा। अब आइए देखते हैं आवश्यक सामग्रियों में हम क्या लिखेंगे। तो आवश्यक सामग्री हमारी होगी ब्लैक बोर्ड, चॉक, संख्या फ्लैश कार्ड, विभिन्न वस्तुएं स्लेट, नोटबुक, अंकुर अभ्यास पुस्तिका। इस प्रकार से हमारा दिवस चार रहेगा। अब आइए देखते हैं इसी क्रम में हमारा दिवस पाँच जो रहेगा उसमें हम लिखेंगे। उद्देश्य में हमारा रहेगा गर्दन का व्यायाम, मान बताएं, संगीत के साथ संख्या के नाम, नाम के लिए मान, स्मरण, मनोभाव। इसमें भी हमें 70 मिनट का समय मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, यहाँ लिख देते हैं हम 70 मिनट। इस प्रकार से हमें यहाँ पर 70 मिनट लिखना होता है उस समय में। मुख्य प्रश्न में हमारा रहेगा, ऐसी कोई एक वस्तु का नाम बताएं जिसका मान शून्य है, किस संख्या में क आखिरी में आता है, किस संख्या में स पहले आता है। तो बच्चों बताएं, सभी लोग राजू के नृत्य को देखकर कैसा भाव महसूस कर रहे थे। इस प्रकार से ये हमारे मुख्य प्रश्न रहेंगे। अभ्यास में हम लिखेंगे वर्कशीट तीन और चार जो हमारी अभ्यास पुस्तिका से हम करवाते हैं तो करवाएंगे। कितने अंडे हैं गिने, बिना मछली वाले कटोरे पर घेरा लगाएं। ये हमारी जो ये जो दिया हुआ है अभ्यास में, ये हम शून्य की अवधारणा पर काम करेंगे बच्चों से। फूलों को गिने व उनका मान लिखें, संख्या को संख्या नाम से मिलाएं। इस प्रकार से हमारा अभ्यास रहेगा। अब इसमें हमारी आवश्यक सामग्री रहेगी ब्लैक बोर्ड, चौक, संख्या फ्लैश कार्ड, कक्षा में उपलब्ध वस्तुएं। इस प्रकार से साथ ही एक चीज़ में हमें और भी ध्यान रखना होगा कि जब हम कोई अपना जो ये जो शिक्षक नियोजन रजिस्टर तैयार कर रहे हैं, तो जिस दिवस में हम तैयार कर रहे हैं उस दिवस में हम अपने प्रधान पाठक से यहाँ पर सील और साइन यहाँ पर हम लगवा लें। इस प्रकार से हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि दिवस छः में हमारा उद्देश्य रहेगा मध्य रेखा को पार करना, स्मरण, मूल्यांकन, पहेलियाँ और नाम के लिए मांग। इस प्रकार से हमारे ये उद्देश्य रहेंगे। इसमें भी हम 70 मिनट लिखेंगे, यहाँ जैसे हम लिख देते हैं 70 मिनट। अब आइए देखते हैं कि दिवस छः में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मूल्यांकन। तो याद रखिए, हम जिस भी दिवस में हमारा दिवस छः हो रहा है, जिस सप्ताह का दिवस छः हो रहा है, जैसे कि ये सप्ताह छः है, तो इसके दिवस छः में छठवें दिन हमें मूल्यांकन भी करना है। जो हमारा रचनात्मक आकलन होगा, साप्ताहिक आकलन होगा, इस प्रकार से हम इसमें मूल्यांकन करेंगे। अब इसमें आवश्यक सामग्री हमारी रहेगी ब्लैक बोर्ड, चौक, कंकड़, संख्या फ्लैश कार्ड। तो जिन जिन चीज़ों का हमें इस्तेमाल किया है मूल्यांकन में, उन चीज़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो साथ ही इस प्रकार से सप्ताह छः का दिवस एक से दिवस छः तक का रजिस्टर हम तैयार कर लेंगे और अपने स्कूल में मेंटेन करके रख लेंगे, संधारित करके रख लेंगे। तो इस साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के सामने लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।